भाई और बहनों, कोई भी देश समस्याओं का समय पर समाधान करके ही उनसे विकराल होने से बचा सकता है। लेकिन हम भली भांति जानते हैं, वर्षों तक हमारे यहां एक ही प्रवृत्ति रही कि भाई समस्या है, टाल दो, दरी के नीचे डाल दो। आज का नया भारत समस्या के समाधान पर जोर लगाता है, आज भारत समस्याओं को टालता नहीं है। आप जरा याद करिए, एक समय था जब कोई बैंक संकट में आ जाता था तो डिपॉजिटर्स को, जमाकर्ताओं को अपना ही पैसा, ये पैसा उनका खुद का है, जमाकर्ता का पैसा है, उनका खुद का पैसा पाने में नाकों दम निकल जाता था, कितनी परेशानी उठानी पड़ती थी। और चारों तरफ जैसे हाहाकार मच जाता था, और ये बहुत स्वाभाविक भी था। कोई भी व्यक्ति बहुत विश्वास के साथ बैंक में पैसा जमा कराता है, खासकर हमारे मध्यम वर्ग के परिवार, जो फिक्स सैलरी वाले लोग हैं, वो फिक्स इनकम वाले लोग हैं, उन लोगों के जीवन में तो बैंक ही उनका आसरा होती है। लेकिन कुछ लोगों की गलत नीतियों के कारण जब बैंक डूबता है तो सिर्फ इन परिवारों का सिर्फ पैसा नहीं फंसता था, एक तरह से उनकी पूरी जिंदगी ही फंस जाती थी। पूरा जीवन एक समय एक प्रकार अंधकार सा लगता था, क्या करेंगे, बेटे बेटी को कॉलेज की फीस भरनी है, कहां से भरेंगे, बेटी बेटी की शादी करनी है, कहां से पैसा लाएंगे, किसी बुजुर्ग का इलाज कराना है, कहां से पैसा लाएंगे। अभी बहन जी मुझे बता रही थी कि उनके परिवार में हार्ट का ऑपरेशन कराना था, कैसी दिक्कत आई और अब ये कैसा काम हो गया। इन सवालों का पहले कोई जवाब नहीं होता था, लोगों को बैंक से अपना ही पैसा ये प्राप्त करने में, निकलवाने में वर्षों लग जाते थे। हमारे गरीब भाई बहनों ने, निम्न मध्यम वर्ग के लोगों ने, हमारे मध्यम वर्ग ने दशकों तक इस स्थिति को भोगा है, सहा है। विशेष रूप से कोऑपरेटिव बैंकों के मामले में समस्याएं और अधिक हो जाती थी। आज जो लोग अलग अलग शहरों से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, वो इस दर्द, इस तकलीफ को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इस स्थिति को बदलने के लिए ही हमारी सरकार ने बहुत संवेदनशीलता के साथ फैसले लिए, रिफॉर्म किया, कानून में बदलाव किया। आज का ये आयोजन उन फैसलों का ही परिणाम है। और मुझे बराबर याद है, मैं मुख्यमंत्री रहा हूं और कोई बैंक में तूफान खड़ा हो जाता था तो लोग हमारा ही गला पकड़ते थे, या तो निर्णय भारत सरकार को करना होता था या उस बैंक वालों को करना था, लेकिन पकड़ते थे मुख्यमंत्री को, हमारे पैसों का कुछ करो हमारा। मुझे काफी परेशानियां उस समय रहती थी और उनके उनका दर्द भी बहुत स्वाभाविक था। और उस समय मैं भारत सरकार को बार बार रिक्वेस्ट करता था कि 1 लाख रुपया की राशि हमें 5 लाख बढ़ानी चाहिए, ताकि अधिकतम परिवारों को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। लेकिन खैर, मेरी बात नहीं मानी गई, उन्होंने नहीं किया तो लोगों ने ही किया, मुझे भेज दिया यहां।